हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड स्वागत है आपका डिस्सी ट्रेवल लवर चैनल में। दोस्तों आज का ब्लॉग है रामेश्वरम के ऊपर में। रामेश्वरम राम से जुड़ा हुआ है ऐसा माना जाता है, मैं भी गया हूँ उधर में। तो वहाँ जाने के बाद धनुषकोडी, एक्चुअली एक जगह है धनुषकोडी, वहाँ पे तो आपको श्रीलंका से मोबाइल नेटवर्क मिल जाता है। मुझे भी दिख गया था, मैसेज आ गया था कि वेलकम टू श्रीलंका इस तरह से। तो वो तो नॉर्मली बहुत सारा तरफ समंदर है, बीचेस बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों अफसोस मेरे पास वीडियो फुटेज नहीं है, फोटोज है, लेकिन कोई नहीं, आपको फोटोज के जरिए आपको मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। दोस्तों जो सी ब्रिज है, पंबन ब्रिज, जो समंदर के ऊपर से बना हुआ है, एक प्रकार से ये बहुत ही खतरनाक भी माना जा सकता है। ये जो है आपको रामेश्वरम में ही मिलेगा। पंबन ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही पंबन आइलैंड में फिर आपको धनुषकोडी जाना होता है। गाइस ये है चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन। चेन्नई में बहुत सारे रेलवे स्टेशन है। चेन्नई एगमोर से आपको रामेश्वरम जाने के लिए ट्रेन मिलेगा। यहाँ से आपको ओवरनाइट जर्नी करना पड़ेगा, जिससे मैंने किया है। मैं शाम को ट्रेन में सवार हो गया था और रात भर जाने के बाद सुबह पहुँच गया, फिर दिन भर घूम फिर के फिर वापस आ गया। यानी एक दिन का ट्रिप था, मैंने दिन भर रहा तो बहुत हेक्टिक था। ये खूबसूरत नज़ारा दोस्तों पंबन ब्रिज से, जो कि फेमस है, समंदर के ऊपर से बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, जाते वक्त हमें बाय रोड जाना पड़ा, क्योंकि जो रेलवे ब्रिज था वो मेंटेनेंस था। एक्चुअली मेरा असली टारगेट वही था, रेलवे ब्रिज के ऊपर जाना था, जो कि इंडिया का सबसे डेंजरस रेलवे ब्रिजेस में से है। आप लोग पीछे देख सकते हो, मेरे पीछे इस लोकेशन पर दोस्तों बहुत तेज हवा चलती है, इसलिए आपको ये उस हिसाब से सावधान रहने का है। दोस्तों रामेश्वरम संस्कृत वर्ड है, जो कि लॉर्ड राम को, भगवान राम को डेडिकेट करता है। ये तस्वीर को मैंने गांव में जाके खींचा था। और जो रास्ता का जो ब्रिज है, रोड ब्रिज से, ये सी ब्रिज जो है रेलवे का दिखाई देता है बहुत अच्छा से। ऐसा लगता है मानो जैसे ड्रोन से लिया है, लेकिन जो कि नॉर्मल कैमरा से लिया गया है। दोस्तों रामेश्वरम में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हालांकि मैंने टेम्पल्स में घूमा नहीं। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो घूम सकते हो, नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा तो मैं भी डेफिनेटली घूमने की कोशिश करूंगा। दोस्तों पंबन ब्रिज क्रॉस करने के बाद रामेश्वरम पहुंच गया। उसके बाद मैंने एक ऑटो बुक किया 2 and 4 500 rupees, क्योंकि वहाँ में दूसरा साधन नहीं था। तो मैंने बिना टाइम गुजारे ऑटो बुक करके डायरेक्ट निकल गया सीधा धनुषकोडी। और रास्ते में इस तरह से नज़ारा देखने को मिलता था दोस्तों। ड्रोन व्यू बहुत अच्छा आएगा दोस्तों, क्योंकि ये सीधा समंदर है, चारों तरफ बीच में रास्ता है, देखने के लिए बहुत ही मस्त नज़ारा था। नेक्स्ट टाइम जाऊंगा ड्रोन लेके तो जरूर अच्छा से वीडियो फुटेज में निकालूंगा दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, दोनों तरफ समंदर है, बीच में रास्ता है धनुषकोडी, और इसी रास्ते से माना जाता है राम जो है लंका चला गया था। मेरे बोलने का मतलब है दोस्तों, यहाँ से आगे जो समंदर शुरू होता है, रास्ता ख़त्म होता है, तो वहीं से जैसे रामायण में दिखाया जाता है राम की पहुँच जो है श्रीलंका पहुँच जाता है, एग्जैक्टली वैसे वहाँ से दिखाई देता है। और ये साबित भी होता है कि वेलकम टू श्रीलंका मोबाइल नेटवर्क मेरे मोबाइल में आया था, या इनफैक्ट सभी के मोबाइल में आ जाता है। और बीच में दोस्तों इस तरह से नज़ारा देखने को मिलता है। और गाइस यह है फाइनल डेस्टिनेशन, जिसके आगे कोई ज़मीन नहीं है, सिर्फ समंदर ही समंदर है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको गूगल मैप के द्वारा आपको समझाऊंगा ये दोस्तों खूबसूरत नज़ारा पंबन ब्रिज के ऊपर से। दोस्तों भगवान राम का मैं भी बड़ा बड़ा भक्त हूँ, और इसी तरह से लोकेशन में जाना तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत ही किस्मत वाला समझता हूँ खुद को। दोस्तों मेरे पास तो ड्रोन फुटेज नहीं है, अब मैं आपको समझाता हूँ गूगल मैप द्वारा। हालांकि ये लैपटॉप का स्क्रीन से होने से बहुत बड़ा दिखता, लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं अभी बीच रास्ते में हूँ, तो मोबाइल स्क्रीन से मैंने रिकॉर्डिंग किया आप लोगों के लिए। दोस्तों ये दोस्तों देख लीजिए, मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ये श्रीलंका है, ये राइट साइड में जो है श्रीलंका है,
मैंने जूम किया है अभी, देख लीजिए। मैं अभी और जूम कर रहा हूँ दोस्तों, देख लीजिए आराम से। ये है धनुषकोड़ी, मैं जूम कर रहा हूँ। ये जो आप मार्क देख रहे हैं, ये आखिरी लोकेशन है जो सर्कल करके है। यूट्यूब में और भी आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हो। तो इसमें मैंने फ़ोटो अटैच किया राइट साइड में, देख लीजिए। इधर में ही मैं खड़ा था और ये देखिए बीच रास्ता में दोनों तरफ से समंदर दिखता है। तो इस तरह से ये बहुत बढ़िया था। आगे हम इस तरफ जाएंगे तो ये पूरा जो है पंबन आइलैंड है, रामेश्वरम भी इधर ही है। इससे आगे ये जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, ये है पंबन ब्रिज, जो अभी आपको कुछ देर पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाया था। अभी भी मैं फ़ोटो अटैच किया हूँ, देख लीजिए। और ये छोटा छोटा दिख रहा है, ये सब दोस्तों बोट है, नाव है, बहुत ही अच्छा दिखता है। इवनिंग सनसेट में ज़्यादा बहुत अच्छा दिखता है ये सब बोट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा फैमिली के लिए या फिर आप अकेले हो कपल्स हो। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो और अगर आपको हमारा ये वीडियो कंटेंट पसंद आया तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। दोस्तों हम आपके आभार रहेंगे।